हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सी आर सिंह सर। आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फिजिकल और केमिकल चेंज, इससे पहले और वीडियोस में, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, इन सभी वीडियोस को हम कंप्लीट कर चुके हैं इन टॉपिक्स को वीडियोस के माध्यम से। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इनको देख सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास है बेटा टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डी को आपको कम करना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट दिया हुआ होता है, इससे आप टू और मोर देन टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, वही हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स पर हम आते हैं। हमारे पास है, सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है, हम बात करते हैं किसकी, फेरस ऑक्साइड की। ठीक है, और फेरस ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो किससे होती है, फेरस सल्फेट से होती है। तो हम जो हैं, जब फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है फेरस ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, फेरस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और साथ में फॉर्मेशन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन साथ साथ होती है। इस रिएक्शन को करने के लिए ये हमारे पास है फेरस सल्फेट, ये हमारे पास है बेटा फेरस सल्फेट। ये रिएक्शंस ऑन हीटिंग हम करवा सकते हैं, हीट करने पर ही हम बना सकते हैं फेरस ऑक्साइड, और इसको हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों ही जो है, जो कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन फेरस सल्फेट से होती है। तो इस रिएक्शंस को करवाने के लिए हमको हीट की जरूरत है। तो जो रिएक्शंस हीट के द्वारा होती हैं उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बारे में अभी हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम डिकम्पोज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है डिकम्पोज होने के बाद, जैसे CO3 है, इसके अंदर क्या है, CO2 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, साथ साथ हम इससे क्या बना सकते हैं, CaO, CO2 हमने यहां से निकाला तो यहां पर O बचा सिर्फ 1, और जिसके कारण हम बना सकते हैं CaO, मींस कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, मींस लाइमस्टोन ऑन हीटिंग इट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है लेड नाइट्रेट, हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट हमारे पास होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है लेड ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, लेड ऑक्साइड, साथ में हमारे पास बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके साथ फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन की। ठीक है बच्चे, ये आप ध्यान देंगे, इस रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेंगे। हमारे पास नाइट्रेट जो है यहाँ पर 2 दे रखे हैं, और इधर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ सिंगल दे रखा है। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस उसको करते हैं जिसके पास, हमारे पास जो कोई भी एटम जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, इधर हमारा ऑक्सीजन जो है 2 to 4, और हमारे पास है 1। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो हमारे पास इधर हो जाते हैं लेड ऑक्साइड में लेड 2,
और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार से करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन जो हुए 3 2, 3 × 2 6 और × 2 12 हमारे पास हो जाते हैं। तो 12 को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हो गया 4 × 2 8 2 10 और 2 12। इस प्रकार से हम इस रिएक्शंस को कर सकते हैं। ये रिएक्शंस भी हीट के द्वारा होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शंस भी हीट के द्वारा ही होती है। इस रिएक्शंस में हमको हीट की आवश्यकता है, तो जिस भी रिएक्शंस के अंदर हमको हीट की आवश्यकता होती है, इन रिएक्शंस को मैंने आपको अभी बताया, इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट जिसके अंदर इन्वॉल्व हो इसी को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिए, हमारे पास हो गया लेड नाइट्रेट। साथ साथ आप ध्यान देंगे, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर जो क्लोराइड है इसको हम जानते हैं AgCl के नाम से, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलता है। अगर हम इसके ऊपर से सनलाइट पास करते हैं, सनलाइट पास करते हैं, तो ये सिल्वर के अंदर और क्लोरीन आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर के अंदर क्लोरीन्स के अंदर बैलेंस कर लेंगे रिएक्शंस को इस प्रकार से आसानी से। इस रिएक्शन का सिल्वर क्लोराइड और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है हम करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के लिए, मीन्स फोटोग्राफी के लिए हम जो है इन दोनों रिएक्शंस का प्रयोग करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड स्टार्टिंग में वाइट कलर का होता है जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। बाद में जो सिल्वर प्राप्त होता है ग्रेस वाइट कलर का होता है, और हमारे पास जो क्लोरीन है ये येलोइश ग्रीन कलर का होता है रिएक्शंस करवाने के बाद। ओके बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे, तो इससे एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, एक सिंगल प्रोडक्ट से, ये आप ध्यान रखेंगे। सिल्वर जो ब्रोमाइड है ये हमारे पास पेल येलो कलर का होता है, मींस येलो जैसा, इसको हम बोलेंगे पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर जो हमारे पास रहेगा वही सेम है और सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। यहाँ ये जो सिल्वर है ये हमारे पास जो इसका कलर जो है वो ग्रेस और वाइट कलर रहेगा जैसे कि हमने पहले बता दिया, लेकिन ब्रोमीन का जो कलर है वो रेड ब्राउन कलर रहेगा, रेड ब्राउन। मीन्स इस रिएक्शन का प्रयोग हम फोटोग्राफिक प्लेट के लिए करते हैं। तो यहां हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ब्लैक और व्हाइट जो फोटोग्राफी है इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। एंड न्यू क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कौन सी इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान देंगे, एनर्जी जो इसके अंदर आवश्यकता होगी, एक हमारे पास रहेगी हीट एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी, मीन्स जो रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में होती हैं इनको हम थर्मल रिएक्शंस बोलते हैं। जो रिएक्शंस हमारे पास, यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती हैं, ठीक है, इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमको आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो इनको हम ध्यान दे लेते हैं अभी, कौन कौन सी हमारे पास रिएक्शंस हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कर सकते हैं। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हम रिएक्टेंट्स को आसानी से तोड़ सकते हैं, किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो रिएक्शंस को कैरी करवाने के लिए ये रिएक्शंस जो होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और जिन रिएक्शन से हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जिसका 5th एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम जो क्लोराइड है मोल्टन स्टेट के अंदर है, मीन्स लिक्विड स्टेट के अंदर है मोल्टन, और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सोडियम मेटल के अंदर क्लोरीन आयंस के अंदर। NaCl आसानी से डिवाइड हो जाता है Na प्लस में Cl2 में, तो Na जो यहां पर है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है जिससे प्राप्त होगा हमें मेटल। क्या प्राप्त होगा बेटा, मेटल हमको प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम वाटर को लेते हैं, एक सिंपल रिएक्शन हमारे पास वाटर, अगर हम इसको तोड़ते हैं हाइड्रोजन
के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर इस रिएक्शंस को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको तीन टाइप की रिएक्शंस बताई हैं, एक हीट के द्वारा, एक सनलाइट के द्वारा, और साथ में जो हमारे पास रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के द्वारा जो रिएक्शन हो रही है तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर जिससे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिससे हम इसके आयंस को आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। ओके बच्चे, साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं जिस प्रकार से रिएक्शंस केमिकल और केमिस्ट्री लैब के अंदर हुई हैं, लेबोरेटरी के अंदर हुई है, इसी प्रकार से जो कुछ रिएक्शंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं। कुछ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे पास है बेटा डाइजेशन ऑफ फूड का, हाँ जी, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हम खाने के अंदर वीट अगर लेते हैं, गेहूं, चावल अगर हम ले रहे हैं, और पोटैटोज अगर हम ले रहे हैं, पोटैटोज, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? स्टार्च। और स्टार्च जो है वो बाद में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है सिंपल सुगर्स के अंदर, ये डिकम्पोज हो जाता है बेटा सिंपल सुगर के अंदर। सिंपल सुगर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक लार्ज मॉलिक्यूल्स था वीट का, राइस का और पोटैटो का, वो स्टार्च के अंदर टूटा, फिर हमारे पास सिंपल शुगर उससे बनी। तो इस प्रकार से एक लार्ज प्रोडक्ट जब स्मॉलर प्रोडक्ट के अंदर टूटा तो उससे हमारे बॉडी के अंदर हुई केमिकल रिएक्शन, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। साथ में आप ये भी ध्यान देंगे कि अगर हम खाने के अंदर प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर डिवाइड्स होती हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो ये जो रिएक्शंस हैं मींस डाइजेशन ऑफ जो फूड है, ये भी क्या है बेटा, जो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस होता है। ओके बच्चे, तो आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन समझ में आई या नहीं आए, और अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेहनत आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आगे न्यू वीडियोस प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। ओके बच्चे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल CR सिंह सर चैनल पर। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों।